क्या कहूं यार, क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो शब्द नहीं है यार, मैं निशब्द हो गया यार। अभी जस्ट मैंने सिंघम के ट्रेलर को भैया लगभग 15 से 20 बार लगातार देखा, बस इसलिए देखने के लिए देखा कि यार मन भर नहीं रहा यार, मन नहीं भर रहा है। जितनी बार इस ट्रेलर को देख रहा हूं, दिल से बस यही आवाज आ रही है, ये क्या बना दिया रोहित शेट्टी आपने, ये क्या बना दिया, आपको पता है आपने क्या कर दिया है। अरे भैया, इस ट्रेलर को देखने के बाद तो हम यही बात कहना चाहेंगे कि इसे हम आग कहें, तूफान कहे, जलजला कहे, या फिर भूचाल कहे, फिर या भैया एक्शन का ऐसा सुनामी कहे जो कि भाई सारे रिकॉर्ड्स को बहा कर लेकर जाने वाला है। मेरे भाई दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरे भाई एक एक्शन मूवी कैसी होनी चाहिए भाई, इसका जीता जागता उदाहरण भैया रोहित शेट्टी ने दे दिया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकरों को। ये चैलेंज देते हुए कि भाई आज तक आप लोगों ने जो कुछ भी बनाया है ना, ऐसा कुछ बनाकर दिखाओ तो हम मान जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं, दोस्तों कल जब इस ट्रेलर को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी ना कि इस ट्रेलर का लेंथ 4 मिनट 45 सेकेंड का होगा, तो मैं यही सोच रहा था कि यार इतना बड़ा ट्रेलर क्यों दिखा रहे हैं इस फिल्म के मेकर। तो भैया इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है कि भाई हम पब्लिक के बीच में इस फिल्म को लेकर ऐसा हाइप बनाएंगे कि भैया उस हाइप को कोई क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। और भाई इस फिल्म का जो सबसे बड़ा टीआरपी है वो है इस फिल्म का बहुत बड़ा स्टार कास्ट। हर एक स्टार को जिस तरह से इस फिल्म में एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, वो इतना पावरफुल है कि हम क्या कहें मेरे भाई। यानी कि भैया कुछ नहीं छुपाएंगे, हम सब कुछ बताएंगे कि भैया हमारे इस फिल्म में नजर आने वाले किरदार किस तरह का रोल निभाने वाले हैं मेरे भाई। एक एक करके बात करते हैं भैया इस ट्रेलर में दिखने वाली चीजों की। तो भाई सबसे हम लोग बात करते हैं एक्शन की। तो दोस्तों मैंने एक्शन को लेकर यह बात तो आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दी कि भैया आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में बनी है ना मेरे भाई, जितनी भी फिल्में, चाहे हम बात करें केजीएफ की, हम चाहे बात करें RRR की, या फिर हम बात करें बाहुबली की, या फिर हम बात करें पठान की, या फिर हम बात करें जवान की, भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ये वो बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में हैं ना जिन्होंने भी अपने एक्शन के माध्यम से पूरी तरह से इंडियन बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात आज पूरी गारंटी से कहता हूं कि भैया ऐसा एक्शन मुझे इन सभी फिल्मों में देखने को मिला ही नहीं। यानी कि भाई रोहित शेट्टी ने ये बात क्लियर कर लिया था पहले ही अपने दिमाग में कि भैया आज तक जो ऑडियंस ने देखा है ना, मैं उससे कुछ हटकर दिखाऊंगा, कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि जिसको देखकर पब्लिक ये बात बोले कि भैया लैंडमार्क जो बना हुआ था ना एक्शन फिल्मों का, उसको क्रॉस करके कुछ नया दिया है रोहित शेट्टी ने। तो रोहित शेट्टी वाकई में आपने अपने एक्शन के माध्यम से यह बात क्लियर कर दी है कि भैया आपके जैसा एक्शन मूवी बनाना भैया अब तो बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों के बस की बात होगी। यार हम लोग बुरा नहीं बोलेंगे किसी डायरेक्टर को लेके, लेकिन हाँ ये बात तो हम आपको लेकर जरूर कहेंगे कि आपने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन है और ये वो लैंडमार्क है जिसको क्रॉस करने के अब बॉलीवुड के और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों को उस लेवल पर जाकर सोचना होगा कि यार रोहित शेट्टी ने ऐसा किया था तो हम ऐसा क्या करें कि उनके लिमिट को हम क्रॉस कर पाए। उसके बाद भैया इस फिल्म में दो कलाकारों की एंट्री होने जा रही है जो कि भैया इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस फिल्म में, टाइगर श्रॉफ की। दोस्तों टाइगर श्रॉफ को लेकर तो हम लोग ये बात जानते हैं कि भैया वो अपने एक्शन के माध्यम से हमेशा लोगों का दिल जीतते हैं और उनका एक्शन वाकई में अकल्पनीय होता है मेरे भाई। और इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का जिस तरह से इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है इस ट्रेलर में भाई, उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं भैया रोहित शेट्टी ने उनके पावर को समझा, उनके अंदर की प्रतिभा को समझा और उन्होंने ये फैसला किया कि भाई हम टाइगर श्रॉफ को अपनी फिल्म में कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि भैया वैसा आज तक उनको किसी ने प्रेजेंट नहीं किया हो। और भाई वाकई में टाइगर श्रॉफ ने भाई उस सोच को, रोहित शेट्टी के उस दिमाग की उपज को सही साबित किया अपने बेहतरीन एक्शन के माध्यम से। भाई वो लक्ष्मण है मेरे भाई, वो लक्ष्मण है सिंघम के, लक्ष्मण है, जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भाई रोहित शेट्टी ने तो इनके लिए बहुत ही अद्भुत प्लान बना रखा है। अब भाई उसके बाद अब इस फिल्म में एक ऐसे किरदार की एंट्री हो रही है जिसकी एंट्री को ही लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी कि भाई रोहित शेट्टी ने तो बहुत ही अच्छी सुपर कॉप की टीम बनाई है
लेकिन इस फिल्म में मुख्य विलन के तौर पर अर्जुन कपूर को क्यों लिया? भाई अर्जुन कपूर का नाम सुनते ही कई लोग मीम बनाने लगते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन भाई इस फिल्म में जिस तरह से रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को प्रेजेंट किया है ना, उनका जो अपीयरेंस दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से रिवाइटल गोली है मेरे भाई, रिवाइटल गोली है अर्जुन कपूर के लिए। यानी कि अर्जुन कपूर को भी एक ऐसे किरदार की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से वो अपनी वापसी कर सके बॉक्स ऑफिस पर, और उनको देखकर दर्शक ये बात कहे कि ये हुई ना बात। और भाई ये हुई ना बात वाली बात जो है ना, उनके इस किरदार में है मेरे भाई। जिस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनका जो लुक दिखाया जा रहा है, वो जिस तरह से एक्शन कर रहे हैं, और भाई उनके किरदार को जिस तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई बॉबी देओल की तरह वापसी करने जा रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर अर्जुन कपूर अपने इस खूंखार अवतार में। और भाई जब रावण इतना पावरफुल होगा तो राम को भी अपनी टीम को मजबूत करना पड़ेगा ना मेरे भाई। और टीम इस फिल्म में जिस तरह से सिंघम बना रहे हैं नए नए किरदारों के साथ, उसको देखकर तो मजा आ रहा है। और भाई इस फिल्म में एक और नए किरदार की एंट्री हो रही है शक्ति की, यानी कि भाई दीपिका पादुकोण की भी। या दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में जिस तरह से सुपर कॉप के अवतार में दिखाया गया, उनके किरदार को जिस तरीके से सबके सामने रखा गया, उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि उनकी एंट्री इस फिल्म के लिए एक संजीवनी बूटी से कम नहीं होने वाली है। उन्होंने जो एंट्री मारी है इस फिल्म में, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, जो एक्शन वो दिखा रही है, वो आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई। आज तक हमने भाई सुपर कॉप की टीम में एक ही बात देखी है कि भाई जितने भी सुपर कॉप के हीरो है वो मेल है, और भाई इस सुपर कॉप की टीम जो थी वो अधूरी थी एक फीमेल सुपर कॉप के बिना। और भाई वो खानापूर्ति जो है ना वो पूरी हो गई है मेरे भाई। वो वाकई में सिंघम को एक ऐसी शक्ति देगी कि जिसका सहायता लेते हुए वो रावण की लंका में जाकर लंका लगा देंगे मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में दीपिका का एंट्री भी बहुत ही शानदार नजर आया इस फिल्म में, और डायलॉग्स तो उन्होंने जो बोले यार उसके तो हम क्या बात कहे भैया, बहुत ही लाजवाब। देन उसके बाद भाई हमारे सिम्बा बाबू, यानी कि बोले तो गली बॉय रणवीर सिंह, भाई वो फिर से अपने रंग में नजर आ रहे हैं मेरे भाई। वही कॉमिक और एक्शन का कॉम्बो, यानी कि भैया हर मामले में सुपर से ऊपर नजर आने के लिए रणवीर सिंह इस फिल्म में भी अपना अवतार जिस तरह से दिखा रहे, उसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया उनकी एंट्री पब्लिक के लिए एक एनर्जेटिक कहते जूस की तरह होगी, जिसमें भाई कॉमेडी भी होगा और उसके साथ भाई जबरदस्त एक्शन भी होगा। वो मारेंगे भी तो हंसा हंसा कर, और रुलाएंगे भी तो हंसा हंसा कर। यानी कि भैया सिम्बा ने भैया अपना जो कहते ना उनका टिपिकल अवतार है वो दिखाया है भाई इस फिल्म में, और रोहित शेट्टी ने भाई उनके उस जोनल को पकड़ कर रखा है कि भाई सिम्बा तुम ऐसे ही नजर आओगे, तुम ब्रूटल तो होगे लेकिन कॉमिक ब्रूटल, भैया हंसा हंसा कर मारने वाला सुपर कॉप। तो दोस्तों वाकई में रणवीर सिंह की एंट्री भी काफी जबरदस्त है, और भाई हम क्या बात करें, जटायु बोले तो भैया इस फिल्म के दूसरे बूस्टर डोज यानी कि एनर्जी से भरपूर एक्शन हीरो अक्षय कुमार की, यानी कि भैया हमारे सूर्यवंशी की एंट्री ठीक वैसे ही होती है जैसे कि भाई सूर्यवंशी में अजय देवगन की हुई थी, और डायलॉग सिम्बा के मुंह से वही निकलता है, पब्लिक को पता है कि एंट्री किसकी होने जा रही है। यानी कि भैया अक्षय कुमार ने भी अपने तूफानी अंदाज के माध्यम से ये बात क्लियर कर दी है कि उनकी एंट्री जब बॉक्स ऑफिस पर होगी तो केवल तालियों की ही गूंज आप सभी को सुनाई देने वाली है। और उसके बाद भैया हम क्या बात करें भाई सिंघम भाव की, उनके लिए तो हम यही बात कहेंगे कि भाई लेजेंड मूवी बना दिया यार अजय देवगन ने अपने इस आइकॉनिक किरदार के माध्यम से। मेरे भाई सिंघम की शुरुआत उन्होंने जब शुरू की होगी तो शायद ही उनके दिमाग में ये बात कभी आई होगी कि भैया उनके द्वारा शुरू की गई ये फ्रेंचाइजी आगे चलकर एक ऐसी सुपर कॉप की टीम तैयार करेगी जिसकी चर्चा हमेशा बॉलीवुड में होगी। जब भी ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगी, जब भी इस फ्रेंचाइजी से जुड़ी हुई कोई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो भैया उसकी चर्चा जबरदस्त तरीके से होगी मेरे भाई। और वाकई में स्टार्ट टू एंड अजय देवगन को जिस तरह से इस ट्रेलर में दिखाया गया, और अजय देवगन ने जो परफॉर्मेंस किया है, जो किरदार वो निभा रहे हैं, वो काफी पावरफुल है मेरे भाई। और तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है, और इस ट्रेलर को
सुपर से ऊपर बना क्या रहा है, तो भाई इस फिल्म का जबरदस्त म्यूजियम, यानी कि भैया जो बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किया है ना मेरे भाई इस फिल्म के मेकरों ने, हर एक सीक्वेंस के लिए जो म्यूजियम सुनाया जा रहा है ना मेरे भाई, हर एक सीक्वेंस में जो एक्शन सीक्वेंस के पीछे जो म्यूजियम चल रहा है, वो इतना पावरफुल है कि भाई वो इस फिल्म के लेवल को अप 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 करता चला जा रहा है मेरे भाई। दोस्तों वाकई में ट्रेलर सुपर से ऊपर है, और इस ट्रेलर को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे यह सवाल पूछोगे कि मैं इस ट्रेलर को कितना कितना स्टार दूंगा, तो भाई ऐसी फिल्मों को स्टार से तोला ही नहीं जा सकता है मेरे भाई, ऐसी फिल्में स्टार्स को अपनी मोहताज बनाती है। तो दोस्तों वाकई में बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर के माध्यम से यह फिल्म सिनेमाघरों में आने जा रही है भाई दीपावली के दिन, और भाई इस बार की दीपावली सिंघम के नाम होने जा रही है इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद, तो ये बात साफ हो गई है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।